समानता के लिए बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि आज़ादी के पूर्व से अभी तक जो भी जाति प्रथा है या धर्म की प्रथा है, उन सब में समान रूप से अधिकारों का संरक्षण हो, इस पर बहुत गहन विचारण कई बार हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी इस विषय पर कई बार गहन विचारण हुआ और उसके बाद जजमेंट भी आया। 2018 में जजमेंट जो आया वो भी इसमें लैंडमार्क जजमेंट के रूप में था। एम नागेश्वर राव ऑनरेबल जस्टिस का जो ऑर्डर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसके लिए क्लियर करना चाहता हूँ, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक प्रोविजंस दिए गए हैं, और उसमें अगर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है तो प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी भी है। ऐसी स्थिति में हम लिबर्टी और लाइफ की अगर बात करते हैं तो उसमें हमारे फंडामेंटल राइट भी हैं जिनको आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो नौकरियों में आरक्षण की बात है, उस आरक्षण के लिए जो संविधान है उसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 दोनों में स्टेट गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सभी वर्गों को सूचीबद्ध करे, और सूचीबद्ध करने के बाद उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि एससी एसटी वर्ग से जो लोग हैं उनको आरक्षण देते हुए समाज में समान स्थान देने का एक कृत्य किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से स्टेट गवर्नमेंट इसमें डिसीजन ले सकती है। अभी लेटेस्ट में 11 जून 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एंट्री ऑर्डर किया एक रिट पिटीशन में, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2018 का ऑर्डर था, 2018 का उस ऑर्डर को ही उन्होंने क्लेरिफाई किया कि जो नौकरी में आरक्षण की बात है वो आरक्षण की बात संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अपने समाज में सभी को समान स्थान देने के लिए सभी को समान, जिस तरह से आर्टिकल 15 में जो कुछ अमेंडमेंट्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो व्यूज है आर्टिकल 16 में। धर्मेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफी चाहते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, दिल्ली से है सोनिया। और सोनिया जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मैं ये 2018 में मेरे हस्बैंड पे किसी ने झूठा रेप केस लगा लिया जी, बिल्कुल डंपिंग रिंग का केस बनाया और हमसे उन्होंने पैसों की डिमांड करी वही पुलिस स्टेशन में ही जी, और हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और जो जिन्होंने उन पैसे मांगे हैं वो लेडी ऐसी सिस्टम की है और उन्होंने दो लॉयर वहां पे बुलाए, लॉयर ने हमसे पैसों की डिमांड की। तो अब हमारा केस यहाँ तक है कि उसके हस्बैंड के अभी वो बयान होने, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने हमसे पैसा मांगा है, वकील है कोई वो, उन्होंने हमसे ये पैसा मांगा और हमें धमकाया सब कुछ करा उन्होंने, तो हम बहुत परेशान है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होने देते, हम जो भी लॉयर करते हैं वो उन्हीं से मिल जाते हैं जाके, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। तो आप इसका कोई सुझाव दीजिए। देखिए मैम, आपके हस्बैंड पर जो एलिगेशंस हैं 376 आईपीसी के आरोप हैं, उन आरोपों में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ हैं बहुत ही क्लियर हैं, यानी इस धारा को बहुत ही गंभीर धारा के रूप में समाज में देखा जाता है और इसमें जो सजा के प्रोविजंस हैं वो भी अति गंभीर हैं। निश्चित रूप से आपके पास जो एविडेंस हैं, यानी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने कर रखी है जिसमें आपको एक्सटॉर्ट करते हुए आपसे रकम की मांग की गई है, वो आपके ऑडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस में एक्सेप्ट हो सकते हैं। आप अपनी कंप्लेंट सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इन सारे फैक्ट को लिखते हुए रिटर्न में करें, और रिटर्न में करने के साथ ही साथ उसमें आप ये भी प्रेयर करें कि आपके साथ इस तरह से दबाव बनाकर अवैध वसूली का ये षड्यंत्र किया जा रहा है। प्रशासनिक जांच होने पर जो अभी आपके हस्बैंड के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये सारे फैक्ट किसी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा मार्क करके भेज दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो अथॉरिटी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन में सही बातें लिखते हुए आपके पक्ष में इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट दे सकती है। साथ ही साथ जो एक्सटॉर्शन का आपने भी बताया कि फ़ोन पर आपको लोगों ने कहा कि आप पैसे दीजिए, उसके बाद आपके हस्बैंड के खिलाफ जो केस है उसको कुछ मेटलाइज किया सकता है, निश्चित रूप से ये भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के अपराध के लिए दंड के प्रोविजंस हैं।
तो आप अपने केस को स्टैंड करिए, आपकी एविडेंस आपके पास है, उसको आप जब भी किसी साक्ष्य की आवश्यकता होगी तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसको यदि उसमें किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं है तो एविडेंस एक्ट में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि किसी तरह की टेम्परिंग है तो वो अलग इशू होता है। फिलहाल आपको अपने बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र देना चाहिए, और आपके पास जो ये रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए आप कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ 156(3) CRPC के अंतर्गत कंप्लेन भी फाइल कर सकती हैं। अगर आपकी कंप्लेन कोर्ट ने आपके फैक्ट को देखते हुए एक्सेप्ट कर ली और आपकी तरफ से FIR दर्ज करने के आदेश कर दिए, तो निश्चित रूप से आपका जो आपके हस्बैंड के खिलाफ फर्जी केस है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति में आ जाएगा। जी, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कॉल करें, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, अमरिंदर हैं सिंह, अमरिंदर सिंह दिल्ली से हैं। अमरिंदर जी सवाल पूछिए। सर, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट था, वकील साहब ने कहा था कि मुझे पिटीशन लगाने की डेट है कोर्ट में, क्योंकि मेरी क्रिमिनल अपील पेंडिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उन्होंने बोला था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अमरिंदर जी आपने सवाल फिर से पूछिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी हमारे पास, फिर से सवाल पूछिए अपना। मेरा क्वेश्चन ये है कि वकील साहब ने कहा था कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जिसके बेस पर अर्ली हियरिंग की पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है, क्योंकि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुके हैं, मेरी दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील पेंडिंग है ऑफ 2010 की, और मेरी एक्चुअल जो रिटायरमेंट है वो है मार्च 2021 की। आपसे अनुरोध है, आपका प्रश्न क्या है, आपका क्वेश्चन अगर आप क्लियर करेंगे तो हम आपको रिप्लाई भी प्रॉपरली दे पाएंगे। देखिए, अर्ली हियरिंग की पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आप दे सकते हैं, आपके जो भी ट्रायल पेंडिंग है उस ट्रायल में बिफोर द कोर्ट आपको प्रामा फेसाई एक अप्लीकेशन देनी चाहिए, और अर्जेंसी बताते हुए कोर्ट से ये प्रेयर करनी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट आपके केस को एक्सपीडिशनली डिसाइड करे। यदि ट्रायल कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है तो आपके लिए आसान होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक्सपेडाइट करने के लिए जो पिटीशन फाइल करनी है उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने केस की ऑर्डर सीट को लेते हुए। उस ऑर्डर सीट में जितने समय तक पिटीशन चला है उसमें जो जो डेट्स हैं उन डेट में क्या क्या कार्रवाई हुई है उन सारी कार्रवाइयों को अगर आप मेंशन करते हुए अर्ली एक्सपेडाइट करने के लिए, यानी एक्सपेडाइट आपका केस हो जाए और आपको अर्ली डिसीजन मिले, आप इस बात को कहते हुए यदि रिलीफ चाहेंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे इस विषय पर। जी, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल हैं। सर, अपनी बात पूरी करें। मैं अपने दर्शकों को आर्टिकल 15 माफी चाहती हूं सर, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, उमेश जैन है मेरठ से। उमेश जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था। उमेश जी सवाल पूछिए। नमस्कार, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि मेरी एक शिकायत 20 महीने 15 दिन से लोकायुक्त कार्यालय में पड़ी हुई है, इसके लिए मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, और मेरी सुनवाई और प्रतिवादी की दोनों की सुनवाई हो चुकी है, फिर भी कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, पूर्व में भी इस प्रश्न का मैंने आपको उत्तर दिया था। माननीय लोकायुक्त महोदय के समक्ष जो आपकी पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें जो पिटीशन करता है और जो विपक्षी हैं उनके आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक कोई भी ऑर्डर के लिए पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी। आप लोकायुक्त महोदय के समक्ष ये प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, तो उस प्रार्थना पत्र के साथ में आपको एक हलफनामा यानी एफिडेविट भी देना चाहिए था इस आशय का कि जो आपके समक्ष आर्गुमेंट हुए थे उन आर्गुमेंट के बाद जजमेंट ना होने से ये आपको क्षति हो रही है, ये आपको रिलीफ इसलिए आपके जो
आपकी पिटीशन है उस पिटीशन को जल्दी से जल्दी निर्णीत होना चाहिए। आपने यदि एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन पर हियरिंग या सुनवाई नहीं हुई है या कोई भी जजमेंट अभी तक नहीं आया है तो आपको पुनः एक प्रार्थना पत्र हलफनामे के साथ में अर्थात एप्लीकेशन विद एफिडेविट आपको बिफोर दी लोकायुक्त प्रस्तुत करनी चाहिए और वो उस एप्लीकेशन पर आप बल दीजिए। अगर आप उस एप्लीकेशन को प्रेजेंट करते हुए अपनी आर्गुमेंट अपने एडवोकेट के माध्यम से या स्वयं कराएंगे तो निश्चित रूप से लोकायुक्त महोदय उसमें ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे। जी, हमारे साथ फिर से अमरिंदर जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमरिंदर जी, सवाल पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट था, मेरे रियल ब्रदर ने 307 में मेरे पे केस बना दिया था जिससे ट्रायल कोर्ट में मुझे 5 साल की सजा हुई थी और मैं अब 2.5 साल के बाद बेल पर हूँ और मेरी जो अपील पेंडिंग है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है जो 2010 की है। बस मेरा क्वेश्चन यही है कि मुझे देखिए आपके खिलाफ पूर्व में भी आपका प्रश्न ही आया था, आपके खिलाफ जो 307 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया उस अभियोग में जो ट्रायल चला, ट्रायल के बाद आपको सजा हुई और सजा के आदेश से आप व्यथित होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, आपकी अपील पेंडिंग है। इस बीच में आपकी सर्विस यानी जो आपके योगदान थे उस योगदान के जो आपको कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे मुझे लगता है आपको वो प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष इसमें 2003 और 2009 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई प्रतिपादित सिद्धांत हैं, आप AIR के जो 2002 और 2007 2009 भी इनमें AIR को आप प्रॉपरली अगर अवलोकित करेंगे तो उसमें वो साइटेशंस आपको मिल जाएंगे। या अपने एडवोकेट को आप कहिए कि जो इस समय सुप्रीम कोर्ट की साइट है उस साइट में जाकर के आपके सब्जेक्ट को अगर टाइप करेंगे तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको साइटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मिल जाएंगी। आपकी अपील एक्सपेडाइड हो, अभी अगर आपने न्यूज़पेपर को रीड किया हो, अभी आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा, उसमें आज ही लिखा हुआ है, आप अगर उसकी साइट में जाएंगे तो शायद देख सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं पूरे देश की उन हाई कोर्ट में कितने हजार अपील पेंडिंग है, उन अपीलों का निस्तारण शीघ्र होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यू आज भी हैं ऐसे, तो निश्चित रूप से आप अगर उस समय के साइटेशंस को अपने एडवोकेट के माध्यम से कलेक्ट करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी आर्गुमेंट कराएंगे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको सपोर्ट करते हुए आपकी जो अपील है उस अपील को एक्सपीडिशली डिसाइड कर देगी। लेकिन इस बीच में जो आपके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं सर्विस के वो आपको मिलने चाहिए, उन जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं उनको आपका डिपार्टमेंट रोक नहीं सकता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, कृष्ण पाल हैं बरेली से। कृष्ण जी, सवाल पूछिए अपना। कृष्ण पाल जी, सवाल पूछे। चलिए, आप फिर से कॉल कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे थे कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, संगीता है। संगीता जी, सवाल पूछिए अपना। सर, मेरे हस्बैंड से डिस्प्यूट चल रहा है 2011 से। 2015 में मुझे उनके डोमेस्टिक वायलेंस के तहत घर में रहने का आदेश हो गया। मेरी दो नन्हे दोनों ससुराल छोड़े, मेरे हस्बैंड अब उन्हीं के साथ रह रहे हैं, हमको भी छोड़े हैं। इस समय मैं अपने ससुराल में दो बेटियां लेकर रह रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड जो है वो मेरा मकान जिसमें मैं रह रही हूँ वो चुपचाप उसे बेचने या अपनी बहनों के नाम करना चाहते हैं। मैं क्या करूँ उसमें कि वो ऐसा कर ना पाए? देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, DV एक्ट है, उस एक्ट में जो आपने प्रोविजंस को लाइट में लेते हुए अपना कंप्लेंट फाइल किया, DV एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21। इन सेक्शंस में वीमेन को सारे राइट हस्बैंड की तरफ से मिलने चाहिए, यानी रहने का अधिकार मिलना चाहिए, उसके अंतरिम भरण पोषण का अधिकार उसको मिलना चाहिए, उसको जीवन यापन के लिए जो सहयोग राशि वो प्राप्त होनी चाहिए। उसी क्रम में आपको कोर्ट ने एंट्री ऑर्डर करते हुए आपको छत मुहैया कराई, यानी आपके रहने का एक इंतजाम कराया। आप सिविल कोर्ट में भी अपनी एक इंजंक्शन सूट फाइल करते हुए
या जहां पर डीवी एक्ट का आपका केस चल रहा है उस कोर्ट में एप्लीकेशन देते हुए जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह को सेल ना किया जाए के संबंध में इंजंक्शन प्राप्त कर सकती हैं, यानी स्टे ऑर्डर प्राप्त कर सकती हैं। तो आप निश्चित रूप से इस प्रोसेस में जाइए, सिविल कोर्ट में आप एक इंजंक्शन सूट फाइल करिए जिसमें ऑर्डर 39 रूल 12 के तहत आपको एंट्रीम रिलीफ तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल डिसीजन आने तक जो भी आपके एविडेंसेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीफ मिलेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है, हरीश है नोएडा से। हरीश जी, सवाल पूछिए। वकील साहब से मेरा ये सवाल था कि मेरा एक सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। मैं एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सिविल कोर्ट पटना हाई कोर्ट में एक जी सवाल पूछे हरीश। मेरा एक सवाल ये था कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी, और पटना हाईकोर्ट में एक सिविल का मैटर है जो कि एक केस होता है कि साल दो साल पुराना, दस साल पुराना, ये केस होती है पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी हो गई है, दो पीढ़ी गुजर गए इस केस में, तो वो केस एक्चुअली लिस्ट पे आती नहीं है। देखिए, आपका जो केस है वो सिविल नेचर का है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष पेंडिंग है, इसका मतलब कोई आपकी रिट होगी या कोई अपील होगी, उसमें आपको अगर जल्दी से जल्दी रिलीफ चाहिए यानी उपशम आपको प्राप्त करना है तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अर्जेंसी को शो करते हुए एप्लीकेशन दे के कोर्ट के समक्ष अपने एडवोकेट के माध्यम से मेंशन कराना चाहिए, यानी कोर्ट के समक्ष यदि आपके अधिवक्ता महोदय जो आपकी याचिका या अपील है उसके त्वरित निस्तारण के लिए अपने फैक्ट देते हुए आर्गुमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट, हर स्टेट की ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने यहाँ जो भी पेंडेंसी है उसमें अर्जेंसी को देखते हुए जल्दी से जल्दी रिटों का निस्तारण कर रही हैं। आप अगर कोर्ट के समक्ष अपनी बात को रखते हुए और अपनी याचिका या अपील को शीघ्र निस्तारण का अनुरोध करेंगे तो उस मेंशन करने के बाद आपका जो केस है वो लिस्ट में आएगा और उसमें हियरिंग हो जाएगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बीकानेर से हैं, सवाल पूछिए अपना। एसएन देवड़ा बीकानेर से जी, सवाल पूछे। हाँ, मेरा कि भारत के संविधान के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के संरक्षण के लिए विशेष कानून भी बनाए गए हैं, इसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर आए दिन कई घटनाएं हो रही है जिनके अंदर निर्दोष लोगों को मार पीट करके बेरहमी से पीटा जाता है, बेरहमी से हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, उनको पेशाब पिलाया जाता है और गुंडागर्दी के आधार पर जिन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, सरकार की ओर से पूरा प्रयास करने के बावजूद भी आज समाज के अंदर ये ऐसी घटनाएं हो रही है, इसको रोकने के लिए सरकार कहाँ तक सफल रही है? और आज तक भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों की सुरक्षा कहाँ तक कानून कर पा रहा है, देखिए आप महिलाओं के आय की रश्मिंदा गाँव के अंदर लूटी जा रही है, कई पंच बनी आती है, पर्व बनी आती है, आपके समाचार चैनल पर भी आती है, इन स्थितियों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार के विभिन्न जो कानून बने हुए हैं उसके सरकार अपनी भूमिका सही तरीके से निभा नहीं पा रहे। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही प्रासंगिक है और इस प्रश्न को लेकर ही आज के न्यूज ने ये स्पेशल प्रोग्राम रखा था, भारत के संविधान और जो नौकरी में मौलिक अधिकार हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, निश्चित रूप से यदि कोई सामाजिक इस तरह की स्थितियां हैं तो उनके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आप अपने किसी संस्थान की तरफ से PIL फाइल करा सकते हैं, अर्थात जनहित याचिका प्रस्तुत करा सकते हैं। ये जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं उसमें आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में प्रोविजंस हैं कि SC ST जो तबके के लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी 11 जून 2020 को भी एक ऑर्डर किया, उससे पहले 2018 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता जी की बेंच से ऑर्डर आया, निश्चित रूप से ये ऑर्डर लैंडमार्क हैं और जो इस तरह के समाज में कुरूतियाँ या इस तरह के समाज में दो दुर्भ स्थितियाँ पैदा करने का कुचक्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी के द्वारा किया जा रहा है
वो संवैधानिक स्थिति के विपरीत है और उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। आपसे अनुरोध हमारा ये है कि आपने जो अपनी परिस्थितियां बताई राजस्थान में, जिस तरह का परिदृश्य सामाजिक रूप से आपने देखा है, उसको आप किसी एडवोकेट के माध्यम से या स्वयं जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को इस संबंध में डायरेक्ट करें कि इस तरह की कुरीतियां ना होने पाएं। बाकी इसमें बहुत क्लियर लॉ है कि स्टेट गवर्नमेंट को ही फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए या जो सर्विस है उस सर्विस में एससी एससी जो तबके के लोग हैं उनके राइट को प्रिजर्व करने के लिए या समाज को, जो समाज के लोग हैं उनको समान रूप से जीने के लिए, आपको ये बात बेहतर तरीके से मालूम होगी कि हमारे भारतीय संविधान में जीवन के लिए अधिकार है, हमारी जो हमारी लिबर्टी है उसके लिए अधिकार दिया गया है, हमारे जो दायित्व हैं उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हर आर्टिकल में हर एक विषय पर अलग अलग संवैधानिक अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं और उन अधिकारों का लाभ आपको और आपके साथ जो लोग प्रताड़ित हों उनको भी मिलना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनीष गुप्ता हैं देहरादून से। मनीष जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा सवाल ये था कि आरबीआई की जो एक बैंकिंग लोकपाल स्कीम है उसके अंदर हमारा एक केस था, 13C में खत्म कर दिया गया था। 13C के अंदर ये था कि ना तो उन्होंने हमें बुलाया था और ना हमारा उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था, लेकिन केस को 13C में खत्म कर दिया। ठीक है, उस समय जो 13C थी वो नॉन अपीलेबल थी, मतलब अब उसकी अपील भी नहीं कर सकते थे। अब उसके बाद ये 13C को आरबीआई ने अपीलेबल बना दिया कि आप उसकी अपील कर सकते हैं। तो हमने अपना 13C में जो केस क्लोज हुआ था वो फिर से अपील के लिए भेज दिया, तो वो कहते हैं कि आपका केस पहले क्लोज हुआ है, अब आपकी सुनवाई नहीं होगी। तो जो पहले क्लेज दैट मीन 13C में आरबीआई की कमी थी, जो उसने दूसरे उसको अपीलेबल बना दिया, लेकिन वो पहले बोलते हैं कि हम आपके नहीं सुनेंगे। अब टीपीडी आरबीआई की एक संस्था है कि जो बैंकिंग लोकपाल के अंदर केस नहीं आते उनको सुने, लेकिन टीपीसी बोलती है कि आप कहीं दूसरी जगह केस को ले जाइए, हम नहीं सुनेंगे। ऐसे में क्या किया जाए, कि आरबीआई के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो इशू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो रूल्स थे पहले, उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपीलेट जो फोरम है उसका गठन नहीं हुआ था। इसके बाद जो आरबीआई की गाइडलाइंस आई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस थे उसके अकॉर्डिंग अपील इसमें होने के अधिकार दिए गए। निश्चित रूप से इस बीच में जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन का आपको कहीं ना कहीं हानि हो रही है। आप अगर पूर्व में, आपका कहना है कि आपको कोई भी मौका नहीं दिया गया, आपके जो फैक्ट थे उन फैक्ट को कहीं कंसीडर नहीं किया गया, आपके एविडेंसेस को प्रेजेंट करने का अवसर नहीं दिया गया, ये अगेंस्ट दी नेचुरल जस्टिस है। तो निश्चित रूप से आपको उसी पिटीशन को रिव्यू करने के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहिए। उस पिटीशन को रिव्यू करते हुए उसमें आपके जो कंटेंट्स हैं उनको कंसीडर करना मैंडेटरी है। अगर इसके बाद भी वो कंसीडर नहीं करते हैं तो आपके पास ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जाने के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, राजेश मिश्रा है लखनऊ से। राजेश जी, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं कोऑपरेटिव में बैंक में हूँ। सर, ये 14 में इन्होंने हमको सस्पेंड कर दिया था, एक आरोप एक प्रेजेंट दिया था हमको, पदकूल प्रवृत्ति प्रमोशन हो रहे थे, वोट चेंज हुआ था तो पदकूल प्रवृत्ति चेयरमैन ने देखे प्रमोशन रोक दिया। इसके बाद 3 दिन बाद उन्होंने सस्पेंड कर दिया, फिर 16 महीना बाद जो इन्होंने बहाल किया, लेकिन उन्होंने इंक्रीमेंट वगैरह हमारा रोक दिया, दो इंक्रीमेंट रोके बेटन थी। इसके बाद करीब 1 साल हमने वर्क किया, फिर उन्होंने यही अनुशासनहीनता दुनिया भर दिखाकर फिर सस्पेंड कर दिया। अब फिर बहाल किया 1.5-2 महीने बाद, तो आप पर बेटन बुद्धि लगाते ही नहीं, कहते हैं हो जाएगा, क्या करें? देखिए, आप जिस तरीके से आपका कंडक्ट वो यानी डिपार्टमेंट शो कर रहा है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम या तो डिपार्टमेंट की तरफ से है या आपकी तरफ से है। पहले उन्होंने जो प्रतिकूल प्रविष्टि दी आपके करेक्टर के लिए, उस प्रतिकूल प्रविष्टि में आपने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, आपने उसके लिए अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, कोई विभाग की तरफ से कमेटी गठित हुई
यानी कोऑपरेटिव की तरफ से कोई कमेटी गठित हुई जिसने आपके उस कंडक्ट के बारे में जांच की, ऐसा अगर कोई भी एक्ट नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से ये सर्विस रूल्स के अगेंस्ट में वर्किंग है और आपको बार बार उनके द्वारा सस्पेंड किया जाना, बहाल किया जाना, ये आपके लिए एक जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। तो ये सारे कंटेंट्स को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें डिपार्टमेंट की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो पक्षकार होंगे और उन्होंने यदि नेचुरल जस्टिस के लाइट में आपको आपके पक्ष को रखने का मौका नहीं दिया है तो निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट आपके फेवर में डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देते हुए आपके कंटेंट्स को कंसीडर करने का रिलीफ आपको देगी। तो आप सभी भी कॉलर समय कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, मतलब छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपाड़ी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। माउंट लिट्रा सी स्कूल मुंडाव, नंबर वन इन एकेडमिक्स, नंबर वन इन स्पोर्ट्स, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट रिजल्ट, स्मार्ट क्लासरूम, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ माउंट लिट्रा सी स्कूल मुंडाव। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब, बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया, खबरों का सारथी। स्वागत है आप सभी कॉलर्स, हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, शिव सिंह जयसवाल हैं देहरादून से। शिव सिंह जी सवाल पूछिए अपना। जो मैंने किराए पे दिया था, हेलो जी सवाल पूछिए, टीवी का वॉल्यूम कम करिए। शिव सिंह जी पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए। जनपद से बोल रहा हूँ जी, और मेरी एक दुकान मैंने किराए से दी थी जिसकी हमने संविदा नहीं, मैं वॉल्यूम बंद दे मेरा। हेलो शिव जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप फिर से मैं कॉल करें फिर सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए संजीव हैं, संजीव जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी नमस्कार, वकील साहब नमस्कार। हाँ संजीव जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए सवाल पूछिए। हाँ वकील साहब आपसे सवाल था कि आज से कई साल पहले 1965 में 1965 हिमाचल की जमीन ली थी दादाजी ने, जो कि जोतने के लिए दे रखी थी, मतलब जोतने के लिए दे दी, ऐसा होता था। और आजाद हिंद को जापान कब्जा कर लिया, मतलब कैद कर लिया था,
और वो 10 साल बाद वापस हिमाचल आते हैं, उसके बाद उनके जो बेटे यानी मेरे फादर वो भी आर्मी थे, तो आर्मी में वो तो कुछ समय तक उन्होंने चावल और कुछ वो देते रहे अपने जब जॉब करते थे क्योंकि वो जा नहीं पाए, और उसके बाद अभी भी मतलब उर्दू में कागज में वो बनते थे, मतलब वो आज तक उन्हीं की रुक गई है जगह के, ऐसा बहुत सारी वापिस नहीं आ सकती आर्मी वालों की, दादा थे और बेटे थे और फादर भी सब आर्मी में है, तो अभी तक कुछ आपके कथनानुसार आपके जो फादर या आपके परिवार में जो लोग आर्मी में थे उनको जगह जो आवंटित की गई गवर्नमेंट के द्वारा, उसको यदि किसी को आपने बटाई वर्ड यूज होता है, आप गांव से यदि जुड़े हुए हैं तो आप इस वर्ड को बेहतर समझते होंगे, किसी को बटाई पे दे देना या लगती पे दे देना या उसको लीज पे दे देना, इसका इंग्लिश वर्ड लीज भी है, आपने यदि किसी को आपके पिताजी ने या आपके घर के किसी व्यक्ति ने किसी को यदि वो जगह बटाई पर दे दी हो या लीज पर दे दी हो और उनसे आप एक सर्टेन अमाउंट या जो पैदा हुआ उसका कुछ हिस्सा लेते रहे हों, तो निश्चित रूप से आपके अधिकार वहाँ पर संरक्षित थे। इस बीच में जिस जो व्यक्ति वहाँ पर जोतता बोता था उस व्यक्ति ने अपने आप को पोजीशन होल्डर बताते हुए तहसील में, क्योंकि 12 साल से अधिक समय तक जब पोजीशन किसी का रहता है तो वो लीगल पोजीशन की श्रेणी में आ सकता है और उसको प्रतिकूल कब्जा अधिनियम है उसका लाभ भी मिल सकता है, तो ऐसी स्थिति में यदि तहसील में आपके बटाईदार ने अपना नाम दर्ज करा लिया है तो वो दर्ज होने वाले आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं और उस आदेश को चैलेंज करने के साथ ही आप उस ऑर्डर को सेट असाइड करा सकते हैं अर्थात शून्य करा सकते हैं। उस ऑर्डर के शून्य कराने के बाद फिर आपका जो भूमिधरी या आपका जो भी स्टेटस है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी वो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा और आप उसके मालिक हो सकते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अजय है कानपुर से। अजय जी सवाल पूछिए अपना। हमारा एक केस गवर्नमेंट के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें लेबर कोर्ट के द्वारा 2.5 लाख रुपए का ऑर्डर किया गया था मैं बैठ के दिया जाए, हमने हाई कोर्ट में इसके लिए वकील के मार्फत लगाया जिसमें 2.5 लाख तो हमें दे दिया गया लेकिन हमें ब्याज नहीं दिया गया उसका, उस ब्याज के लिए वकील ने कहा अपना प्रार्थना पत्र, फिर हमें 4-5 साल हो गए इसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, हम ये जानना चाहते हैं मूल 2.5 लाख मिला है इसके बाद जो ब्याज है 8% उसके लिए जो लेबर कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है वो ब्याज हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि अप्लीकेशन वकील साहब कहते हैं हमने तुम्हारी लगाई है दोबारा भी। देखिए, आपके फेवर में जो लेबर कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में आपका इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। ऑर्डर का जो पार्ट अभी एग्जिस्ट कर रहा है वो पार्ट है आपको इंटरेस्ट ना मिलने का, तो आप निश्चित रूप से लेबर कोर्ट के समक्ष ही एग्जीक्यूशन की कार्रवाई करिए यानी इजराए की कार्रवाई करिए एक प्रार्थना पत्र हलफनामे के साथ में, एप्लीकेशन विद एफिडेविट लेबर कोर्ट में प्रेजेंट करते हुए आप लेबर कोर्ट से ही ये प्रेयर करिए कि आपका ऑर्डर डेटेड सच एंड सच, इस ऑर्डर के लाइट में हमको प्रिंसिपल अमाउंट डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है, जो इंटरेस्ट अब तक का इतना बनता है उसको आप कैलकुलेट करके अपने एफिडेविट में लिखिएगा, क्योंकि आप जो अमाउंट कैलकुलेट करके लिखेंगे उस ऑर्डर का निष्पादन ही, उस अमाउंट का निष्पादन ही लेबर कोर्ट अपने आदेश के माध्यम से कराएगी, तो निश्चित रूप से जो रिकवरी है वो रिकवरी रेवेन्यू रिकवरी की तरह से तहसील के माध्यम से आपके डिपार्टमेंट से हो सकती है। आप इजराए की कार्रवाई को शीघ्र करेंगे तो आपका रिलीफ भी आपको मिल सकता है जल्दी से जल्दी। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं अनुराग। अनुराग ही सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मुझे ये सवाल पूछना है कि अब से 14 साल पहले, हेलो जी, हाँ मैडम, 14 साल पहले मेरा टर्मिनेशन कर दिया था, उसके बाद में वहां से केस जीत गया हाईकोर्ट से, मगर उस अब उसके अगेंस्ट बैंक ने अपील कर दी, मगर उस टर्मिनेशन ऑर्डर के अंदर जो मैंडेटरी पेमेंट्स थे वो मुझे आज तक एक पैसा भी नहीं दिया, तो क्या वो ऑर्डर इंप्लीमेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? देखिए, ऑर्डर में जो पेमेंट्स है वो पेमेंट्स अगर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ये माना जाएगा। अभी अगर उस ऑर्डर के कंप्लायंस डिपार्टमेंट द्वारा आपके लिए कर दी गई होती तो उसका जो आदेश का अनुपालन है वो मान लिया जाता। निश्चित रूप से ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप अपनी जो कार्रवाई चल रही है उसमें प्रार्थना पत्र देते हुए आपके देय को भुगतान करने के लिए रिलीफ सीक करते हैं,
कर सकते हैं और ये रिलीफ आपको ऑनरेबल हाईकोर्ट से प्राप्त हो सकता है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए कृष्ण कुमार हैं बरेली से। कृष्ण कुमार जी सवाल पूछिए अपना। कृष्ण कुमार जी सवाल पूछिए। कृष्ण कुमार जी आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ भी जुड़ी हुई है एडवोकेट हैं पूजा केसरवानी। मैम आपका स्वागत है, आप केनिस में आए हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जो COVID-19 में जो लोग मरते हैं, इनकी डेड बॉडी होती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? कुमार ने एक लेटर लिखा था जिसका कॉग्निजेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो 11 जून 2020 को लिया था। उसमें उन्होंने हाईलाइट किया था अबाउट द अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द बॉडीज ऑफ द COVID-19 पेशेंट्स। उन्होंने फर्दर हाईलाइट किया था कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं, जो ड्यू केयर एंड कंसर्न डेड बॉडीज़ को दिखानी चाहिए और जिस तरीके से उन्हें हैंडल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेड बॉडीज़ मैनेजमेंट की गाइडलाइंस, वो भी नहीं फॉलो हो रही हैं। कुछ के केसेस में ये भी होता है कि वो लोग फैमिली, जो पेशेंट की फैमिलीज़ और उनके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, बहुत दिन निकल जाते हैं, उनको विक्टिम की डेथ का बताते ही नहीं हैं, और कुछ के केसेस में क्रिमेशन कब होना है ये भी नहीं स्पेसिफाई करते हैं, जिसकी वजह से जो फैमिली और क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो उनको देख नहीं पाते हैं। मैं रोकना चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, शिव सिंह हैं, आप सवाल पूछिए अपना। मैम मेरी एक दुकान है जी, जो कि करीब 25 साल पहले किराए पे दी गई थी। हेलो जी, सवाल पूरा करें। मैम मेरी एक दुकान थी जो मैंने 25 साल पहले किराए पे दी थी, लेकिन हमारा किराएदार के बीच में कोई संविदा नहीं हुई थी जी। हमारा किराएदार के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था जी। हेलो, बात पूरी करें। मैं हाँ, मैं मेरा किराएदार के साथ कोई संविदा नहीं हुई थी जी। तो ये कोर्ट चला था, माननीय एडीजी कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया सुखाधिकार कानून के अंतर्गत, लेकिन मेरे विपक्ष हाईकोर्ट चला गया। 14 साल फिर हो गए हमें हाईकोर्ट में, मेरे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और मुझे क्या इसमें राहत मिलेगी? देखिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जो अपील पेंडिंग है, उस अपील में शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण के लिए आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आपके फेवर में जो रेंट कंट्रोल एक्ट का ऑर्डर हुआ, यानी इजेक्टमेंट का जो ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन या उसका एग्जीक्यूशन तभी हो पाएगा जब ऑनरेबल हाईकोर्ट से आपकी, आपके खिलाफ जो अपील पेंडिंग है उसका निस्तारण हो। जो टेनेंट है, उस टेनेंट ने यदि जो टेनेंसी के रूल्स हैं उनका वायलेशन किया है, तो निश्चित रूप से उसकी अपील में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत सारे प्रतिपादित सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया है कि जो लैंडलॉर्ड है उनकी नीड प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट की जाएगी। यदि टेनेंट ने कोई अनियमितता की है या जो किराएदारी के नियम होते हैं उनका अनुपालन नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उनको बेदखल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो आपके, आपकी जगह का उपयोग उपभोग किया है एक कब्जे धारक द्वारा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो ऑर्डर आपके फेवर में हुआ है, तो निश्चित रूप से उनकी किराएदारी लीगल इस्टेब्लिश नहीं हो पाई होगी, इसीलिए हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अगर अपने फैक्ट को आप प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे और शीघ्र निस्तारण का प्रार्थना पत्र देंगे, तो वो अपील भी आपके फेवर में निस्तारित हो सकती है और आपको रिलीफ मिलते हुए जो आपका टेनेंट है उसकी बेदखली कार्रवाई हो सकती है। जी, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं मोहर सिंह है जयपुर से। मोहर जी सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरा क्या है कि हमारे 67 बीघा जमीन है, हमने बटाई में दिया था। मेरे ग्रैंड फादर थे वो मिलिट्री में थे, मेरे फादर मिलिट्री में, मैं मिलिट्री से रिटायर हूँ, मेरे दोनों बच्चे मिलिट्री में। तो हमने बटाई में दिया था, हमारे जो बटाईदार है उन्होंने जमीन पे कब्जा कर लिया, क्या मैं उनसे वापस हक ले सकता हूँ? देखिए आपके बटाईदारों को वैधानिक रूप से संक्रमणीय भूमिधर नहीं माना जा सकता है। उन्होंने SDM या तहसीलदार के समक्ष जो प्रार्थना पत्र दिया होगा, जिसमें अपने आप को उन्होंने वहां पर कब्जे धारक यानी वैधानिक कब्जे धारक बताया होगा, लीगल पोजीशन होल्डर बताया होगा। ऐसे व्यक्ति जिनको आपने बटाई पर दिया था, यदि ये आपका कथन आप एविडेंस के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं,
तो उनका जो आपके बटाईदार है उनका कोई भी लीगल राइट नहीं होता है अपने नाम को इम्प्लीट कराने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अपनी जगह पर पोजीशन लेने के लिए आप तहसीलदार और एसडीएम के समक्ष प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और रेवेन्यू कोड के अंतर्गत जो इलीगल पोजीशन होल्डर हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग करा सकते हैं। जी, अब पूजा जी, कोविड 19 की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है उनके डेड बॉडी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप क्या कहेंगे। अश्विनी कुमार ने उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था उस पर उन्होंने उस पर मेंशन करा था कि बहुत सारी जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं वो जो ड्यू केयर और कंसर्न दिखानी चाहिए और जो गाइडलाइंस हैं डेड बॉडी मैनेजमेंट को उनको फॉलो करना चाहिए वो उन्हें ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लस जो उनकी फैमिलीज़ होती हैं जो कोविड 19 पेशेंट्स होते हैं उनको उनकी डेथ का भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं टाइमली। प्लस कभी कभी ये भी होता है कि वो क्रिमेशन के बारे में भी उनको नहीं बताते हैं कि कब उनकी बॉडी क्रिमेट की जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्यूनरल राइट्स हैं जिसके वो हकदार हैं वो भी ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाते हैं और फैमिलीज़ उन डेड बॉडीज़ को भी आखिरी बार नहीं देख पाती हैं। आर्टिकल 21 में जिस तरीके से राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी दिया गया है उसी प्रकार हर इंसान को राइट टू डाई विद ह्यूमन डिग्निटी का भी अधिकार है। आई वुड लाइक टू कोट द वर्डिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 के नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू मियर एनिमल एग्जिस्टेंस एंड दैट इट इज समथिंग मोर देन जस्ट फिजिकल सर्वाइवल। देयरफॉर एनी काइंड ऑफ डेप्रिवेशन दस इन्फ्रिंजेस आर्टिकल 21। The word and the expression person in Article 21 would include a dead person in a limited sense and that his right to live with human dignity to have an extended meaning, that is to treat the dead body with respect which he would have deserved had he been alive subject to his tradition, customs and the profession he professes. The state must also respect a dead person by allowing the body of the dead person to be treated with dignity unless it is required for the purpose of establishing a crime to ascertain the cause of death. इसी के साथ साथ सेक्शन 297 ऑफ द आईपीसी में भी एक ऐसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया है कि अगर किसी का बरियल हो रहा है, कोई क्रिमेशन हो रहा है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है तो उस व्यक्ति को 1 साल और फाइन की सजा भी हो सकती है। सभी कॉलर हमें कॉल कर सकते हैं और भी सवाल पूछ सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही है। और धर्मेश जी, सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि जो पिक्चर हॉल में नेशनल एंथम का क्या कुछ कानून बना है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिपादित सिद्धांत श्याम चौकसी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जी अपने व्यूज दिए, उन व्यूज में बहुत ही क्लियर तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया कि जो मूवी हाउस हैं यानी जो पिक्चर हॉल हैं उन पिक्चर हॉलों में नेशनल एंथम जब होता है उस नेशनल एंथम के समय सभी लोगों को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सब लोगों को खड़े होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि देखिए, किसी को मैंडेट नहीं किया सकता है, ये डिस्क्रिप्शन है कि वो व्यक्ति नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे, खड़ा होकर के दे या बैठ करके दे। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने व्यूज़ यही दिए कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति देश का नागरिक है यानी कंट्री का सिटीजन है, प्राय फैसाई उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अंतरात्मा खुद ही इस बात को कहेगी कि हमें देश का सम्मान करना है, हमें देश के जो राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना है, जो राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करना है, देश की जो और परिस्थितियां देश के लिए हमें काम करना है। तो ये सारी अंतरात्मा से आवाज़ आती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया और ये कहा कि किसी को हम मैंडेट नहीं कर सकते हैं, किसी को हम मैंडेटरी डायरेक्शंस नहीं दे सकते हैं कि वो खड़ा ही होगा, जिसकी भी पावर है कि वो खड़ा होकर के नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे और ये ऑर्डर एक लैंडमार्क ऑर्डर के रूप में देश में जाना जाता है। जी, और धर्मेश जी, ऑनर के लिए काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए आपका कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें जो ऑनर किलिंग के मामले हैं वो निश्चित रूप से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में विशेषतः ज़्यादा इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं और भी स्टेट में इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आप सभी की जानकारी में होगा जो हदिया केस था यानी सफीन जहां का जो केस था, उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने व्यूज़ दिए। उस व्यूज़ में कहा कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात होती है वहां पर राइट टू चूज की बात होती है, वहां पर राइट टू लाइफ की बात होती है, वहां पर राइट टू लिबर्टी की बात होती है, तो जो भी व्यक्ति यानी कोई पुरुष या कोई भी महिला अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अगर वो पसंद करती है और उससे विवाह करती है, उसके साथ जीवन निर्वहन करना चाहती है या वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं उसके अकॉर्डिंग
जीवन जीना चाहती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को भी एक लीगल जामा पहना दिया अपने एक प्रतिपादित सिद्धांत के माध्यम से, तो यदि ऐसा कोई करना चाहता है तो इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। जो खाप पंचायत के बहुत सारे इस तरह के डिसीजंस देखने को मिले कि लोगों को उन्होंने दंड दिया, वहाँ पर लड़के और लड़की को प्रताड़ित किया गया इस तरह के विवाह कर लेने पर, तो निश्चित रूप से ये इलीगल एक्ट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायतों को भी ऐसे निर्णय करने के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो जो भी इस तरह का चूज का राइट है किसी लड़के का किसी लड़की का संवैधानिक तरीके से, वो व्यक्ति यदि बालिग है, वो व्यक्ति यदि अपने डिसीजन लेने में सक्षम है, वो व्यक्ति अपना जीवन निर्वहन करना चाहता है, वो अपना व्यक्ति जीवन अपने तरीके से जीना चाहता है, तो संविधान उनके इन सारे अधिकारों का संरक्षण करता है। और निश्चित रूप से इसमें अगर कोई व्यवधान डालता है तो वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और ऐसे पर्सन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होने चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया। जी बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, सर्वेश हैं। सर्वेश जी सवाल पूछिए। मैं रमेश कुमार राणा गुड़गांव से। मेरा सवाल ये है कि 2016 में मेरा एक एमएचडी केस था, उसको एक तो हार गया, बाकी जो मेरे दूसरे केस थे उसमें जीत गया, मैं मैक्सिमम में जीत गया, एक में हार गया था। तो उसके एवज में मुझे हाई कोर्ट में मुझे 25,000 रुपये जमा करने के लिए बोला है मैंने जब अपील की, तो उसके बाद मैं हाई कोर्ट में जाकर के सारे केस जीत गया और जिसको जितना मुआवजा मिला था सबको मिल गया इंश्योरेंस की तरफ से, मगर मुझे मेरे जो पैसे जमा करवाए गए थे वो मुझे अभी तक नहीं मिले, क्या इसके लिए कुछ समाधान है क्या? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो आपने अपील प्रेजेंट की, उस अपील के लिए जो प्रोविजंस हैं उसमें आपको एक टोकन अमाउंट जमा करना पड़ता है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। आपने जो अमाउंट जमा किया है और उस अमाउंट को जमा करने के बाद अपील आपकी एक्सेप्ट होके डिसाइड हुई है, तो उस अपील में यदि आपके फेवर में ऑर्डर्स हुए हैं, आपके कथनानुसार आपके फेवर में ऑर्डर हुए हैं और जिसको जो कंपनसेशन मिलना था वो कंपनसेशन उनको प्राप्त हो गया है, तो निश्चित रूप से आप अपील आपके फेवर में होने की वजह से जो आपके अमाउंट वहां पर डिपॉजिट हुए थे उनको रिलीज करने का प्रार्थना पत्र ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष आप उस अपील के रेफरेंस में दे सकते हैं। आपके कंटेंट्स को देखते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट आपके द्वारा डिपॉजिट की गई रकम को रिलीज करने की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। जी, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपके जो भी सवाल हैं यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और धर्मेंद्र जी, शबरीमाला मंदिर पर महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं? देखिए, शबरीमाला मंदिर का एक प्रकरण बहुत ही चर्चित प्रकरण है पूरे देश में, इसमें कई बार गहन चिंतन किया गया, गहन विचारण किया गया, साथ ही साथ बहुत सारी डिबेट हुई। इसमें हाई कोर्ट से लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक का अपना निर्णय देना पड़ा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए, मैं फिर वही बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो संविधान है उस संविधान में समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 की बात करें, 16 की बात करें, 19 की बात करें, 21 की बात करें या 20 की बात करें, तो समानता का जो अधिकार है उसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार हैं। शबरीमाला मंदिर का जो इशू है उसमें 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को एंट्री करने से रोका गया था, उनको प्रोहिबिटेड किया गया था कि वो मंदिर परिसर में नहीं आएंगी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर व्यू दिया और उसमें कहा कि समान अधिकार यदि संविधान में पुरुष और महिला को हैं तो निश्चित रूप से जहां पर पुरुष पूजा अर्चना करने के लिए जा सकते हैं वहां पर महिला पूजा अर्चना करने के लिए क्यों नहीं जा सकती हैं, जब तक कि कोई धार्मिक या संवैधानिक निषेध ना हो। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था वो व्यू बहुत क्लियर था। उसके बाद ये मैटर सबसाइड हुआ और इसमें जो महिलाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उसके अनुसार उनको दर्शन करने की अनुमति प्राप्त हुई और ये शबरीमाला का केस लैंडमार्क केस के रूप में पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, लेकिन मस्जिद में भी जो महिलाएं हैं वो नहीं जाती, उनके लिए मना कर दिया गया, क्या इसमें कोई कानून है? जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया शबरीमाला केस के लाइट में, मस्जिद में जो मौलवी के द्वारा वहां पर अपनी याचना की जाती है या प्रार्थना की जाती है वो उनके शरीयत के जो नियम कानून है उसके अनुसार की जाती है। शरीयत के प्रोविजंस, यहाँ पर दो बातें हैं, मैं शरीयत को इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में शरीयत के अकॉर्डिंग ही वो अपने सारे एक्ट धार्मिक करते हैं। इसके साथ ही साथ
मुस्लिम लॉ में भी जो प्रोविजंस हैं उन मुस्लिम लॉ को भी वो फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये देखने को आया है कि मुस्लिम लॉ को भी जो उसमें प्रोविजंस हैं उसको भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा नहीं माना गया और उन्होंने शरीयत के नियमों को माना। तो निश्चित रूप से उनके अपने व्यक्तिगत नियम हैं कि मस्जिद में महिलाएं जाकर नमाज अदा नहीं कर सकती हैं। अभी सामान्य तौर पर देखने को आया है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी और कई इस तरह की न्यूज़ आई जिसमें पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ में भी महिलाओं को मस्जिद में जाने दिया गया और वहाँ जा कर के अपनी नमाज अदा की और पूजा अर्चना की। तो निश्चित रूप से अब लोगों में ये सामाजिक सोच में परिवर्तन हो रहा है और पुरुष और महिला को समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं और राजस्थान से हैं, नाम बताएं और सवाल पूछें अपना। नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताएं, सवाल नाम है मेरा। जी सवाल पूछें अपना। मेरा सवाल यह है कि मैंने मेरा एक दिल्ली सेंट्रल प्रॉपर्टी बैंक में लोन चल रहा है, तो मैंने वहाँ आरटीआई गए थी कि मैंने अपने पत्रावली के लोन के संबंध में जानकारी लेने के लिए। तो उन्होंने मेरी आरटीआई को वापस भीतर लौटा दिया कि हम जानकारी भी दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत, हमारा ये बैंक आपको जानकारी नहीं दे सकता आरटीआई। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में सेक्शन 6, 7, 8 जो भी प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने अधिकारों से संबंधित सूचना प्राप्त करने के अधिकार हैं। यदि आपका बैंक में कोई अकाउंट है, उस अकाउंट में जो आपको डिटेल जानकारी चाहिए उस जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। बैंक में जो किसी दूसरे के खाते की जानकारी प्राप्त करने का प्रोविजंस है वो किसी अथॉरिटी द्वारा आदेश करने के बाद ही हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको किसी दूसरे के खाते का कोई भी विवरण प्राप्त करना है और आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई प्रार्थना पत्र दिया है तो निश्चित रूप से ये आपको मेंशन करना चाहिए कि मुझे जो यहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा उस रिकॉर्ड को मुझे फला जगह यूज़ करना है। आपको अपना कॉज देना पड़ेगा, आपको अपना जो रीज़न है वो देना पड़ेगा। आप रीज़न देते हुए सक्षम प्राधिकारी से उसको मार करा के, बैंक के जो सक्षम प्राधिकारी उनसे मार करा के आप उस सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बैंक सामान्य तौर पर जो आरटीआई के प्रार्थना पत्र हैं उनमें किसी दूसरे के खाते की सूचनाएं प्रदान नहीं करते हैं जब तक कि स्पेसिफिक ऑर्डर किसी के फेवर में किसी के खाते का विवरण देने का ना हो। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हैं, राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र जी सवाल पूछिए। जी हाँ सर, अभी मेरी बात हुई थी, हो नहीं पाई थी, कट गया था फोन। सर हमको जो है करीब 4 साल पहले सस्पेंड कर दिया, मैं बैंक में हूँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में। जी अभी हमने फोन किया था सर, बात नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। राजेंद्र जी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए। जी सवाल पूरा। तो सर कोई उसमें एविडेंस वगैरह कुछ उनके पास था नहीं, जबरदस्ती उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया, कहने पे 1.5-2 महीने बाद बहाल तो किया ही उन्होंने, लेकिन इंक्रीमेंट सब रोक दिए हैं, कुछ नहीं दे रहा है। और हर साल में भरता हूँ वेतन वृद्धि के लिए, लेकिन न उसका कोई जवाब देते हैं, क्यों रोका गया है। लेखा विभाग से पूछे तो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता, सचिव साहब ने रोक रखा है। तो ऐसे में क्या करें सर, आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है। आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी पिटीशन फाइल करनी चाहिए, यानी आप रिट फाइल करके आपके डिपार्टमेंट से, कोऑपरेटिव बैंक से जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने का डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बिना किसी रीज़न के उन्होंने सस्पेंड किया, फिर उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट पर बहाल कर लिया, ये आश्चर्यजनक कथन है, ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है। डिपार्टमेंट किसी रीज़न के साथ, किसी लॉजिक के साथ सस्पेंशन करती है और इलीगल तरीके से आपके इंक्रीमेंट या आपके बेनिफिट्स को रोक नहीं सकती है। तो आप जो इशू है, इस इशू को अगर मेंशन करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रिट फाइल करेंगे तो मेरा अपना लीगल व्यू आपके लिए ये है कि आपको रिट में रिलीफ जरूर मिलेगा और डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन होगा कि आपके जो भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं, जो आपके योगदान देने के एवज में जो बेनिफिट हैं, वो सारे बेनिफिट आपको आपका कोऑपरेटिव बैंक प्रोवाइड करे। जी और धर्मेंद्र जी, क्या नौकरी में प्रमोशन में भी कोई रिजर्वेशन का कोई कानून बना है? देखिए सर्विस में रिजर्वेशन के लिए मैंने कि जैसा पहले भी
हमारे पहले प्रश्न के उत्तर में जब मैंने फंडामेंटल राइट की बात की थी सर्विस में, तो उसी समय मैंने क्लियर किया था, फिर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो कम शब्दों में आप मुझे, हाँ, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में जो प्रोविजंस हैं देश के संविधान में, उसके अनुसार एससी एसटी तबके के लोगों को इसमें जो आंकड़न होगा यानी जो कैलकुलेशन होगा, उस कैलकुलेशन के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने व्यूज़ दिए हैं। 2018 में भी जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया वो भी एक लैंडमार्क केस के रूप में था। जो प्रमोशन में आरक्षण की बात है वो भी स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें जो प्रोविजंस हैं अभी सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि छोटे पदों पर तो आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन बड़े पदों पर आरक्षण का अनुपातिक लाभ नहीं मिल पाता है। अनुपातिक लाभ न मिल पाने की वजह से बड़े पदों पर जो एससी एसटी कोटे के लोग हैं उन लोगों को वहाँ पर पहुँचना संभव नहीं होता। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर हम देखते हैं तो उसमें संवैधानिक तौर से समान अधिकार प्राप्त होने के बाद हर तबके को, हर जाति के व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने के अधिकार हैं। तो सर्विस में भी जो आरक्षण की बात है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के व्यू बहुत क्लियर हैं। स्टेट गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने का राइट है कि किस किस सर्विस में वो आरक्षण किस अनुपात में देंगी, उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करते हुए टाइम टू टाइम जीओ जारी करती है और उसके बेनिफिट्स लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। जी माफी चाहते, समय थोड़ी कमी है हमारे पास, सवाल हमारे और भी बाकी हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और सभी सवालों के जवाब दिए आपने। पूजा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आप सभी कॉलर्स हमें फिर से कॉल कर सकते हैं क्योंकि अगले रविवार को हम फिर से आपके साथ इसी टाइम पर हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।